हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी एग्जांपल नंबर 27 ऑफ चैप्टर 1। 27 एग्जांपल है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ अ स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग ऐसे हैं जो क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। उसमें से 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू अ केमिकल C1, जिसमें से 120 ऐसे हैं जो किसके वजह से हैं, केमिकल C1 के वजह से हैं, 52 केमिकल C2 की वजह से हैं, एंड 32 बोथ C1 एंड C2 की वजह से। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट C2। दूसरा, केमिकल C2 बट नॉट C1, केमिकल C1 और C2। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम से करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसमें से जो भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो पहले हम एक इन्वर्सन सेट बना देते हैं। इसमें से पहला वाला C1 रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला C2, केमिकल C1 एंड केमिकल C2। अब इसमें दिया है 30 लोग ऐसे हैं जो C1 और C2 दोनों से ए इफेक्टेड हैं। 30 लोग C1 की वजह से कितने लोग इफेक्टेड हैं, 120। तो 120 में C1 में 30 तो हो गया है, तो 120 में से 30 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया, 90। यानी 90 लोग ऐसे हैं जो केवल C1 केमिकल वजह से डिफेक्ट यहाँ पे एक्सपोज हैं। और दूसरा है C2 की वजह से कितने हैं, 50 लोग हैं। तो 30 तो हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 50 में से 30 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20 हो गया। तो जो पहला पूछ रहा था, इसमें पहला वाला, इसमें फर्स्ट पार्ट है, करा फाइंड, हम करना है केमिकल C1 बट नॉट C2। C1 बट नॉट C2 के लिए देखिए, C1 बट नॉट C2, C2 वाला हटा दिया गया है, तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, 90। सेकेंड वाला, C2 बट नॉट C1, C1 वाला 30 हट गया, केवल C2 कितना है, 20। और तीसरा कह रहा है C1 और C2, C1 और C2 के लिए सबको जोड़ लेंगे, C1 और C2 के लिए सबको जोड़ेंगे तीसरा वाला, तो 90 प्लस 30 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 140 हो गया। ये तो वेन डायग्राम से है। अब इसी को हम लोग कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब फार्मूला से कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सपोज बाई C1 नॉट C2 के लिए, इसका मतलब है C1 बट नॉट C2। तो फार्मूला इसका हो जाएगा एन C1 में से क्या माइनस कर देंगे, एन C1 इंटरसेक्शन C2 माइनस हो जाएगा। C1 बट नॉट C2 के लिए ये फॉर्मूला, पूरे C1 में से ये जो इंटरसेक्शन वाला है इसी को हटा दीजिए, तो C1 में कितने हैं, 120 हैं, और दोनों C1 और C2 की वजह से कितने हैं, 30 है, क्या बच्चा, 90। ये पहला वाला है, फर्स्ट पार्ट। अब सेम इसी तरह दूसरा, C2 बट नॉट C1, तो इसके लिए क्या करेंगे, एन C2 में से जो इंटरसेक्शन वाला है C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर दीजिए, एन C2 में कितने हैं, 50, और 30 तो कॉमन है, तो क्या बच्चा, 20। अब तीसरा वाला, तीसरा के लिए C1 आइदर C2 के लिए यूनियन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वन प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC1 में कितना है, 120,
इसमें कितना है 50 और दोनों में कॉमन है 30, तो कितना बचा 140। यानी पहले का आंसर 90 फार्मूले से, दूसरे का आंसर 20 फार्मूले से और तीसरे का आंसर 140 ये भी फार्मूले से निकाले हैं। सेम यही आंसर देखिए वेन डायग्राम से 90, 20 और 140। तो एग्जाम में वेन डायग्राम या फार्मूला किसी एक मेथड से हम कर सकते हैं। थैंक यू।